राजस्थान में मतदान के 8 दिन बाकी हैं, लेकिन उससे पहले एक तरफ आम आदमी पार्टी को राजस्थान में बड़ा झटका लगा है, तो वहीं गहलोत की जादूगरी देखने को मिली है। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हवा महल सीट पर मुश्किलें बढ़ती देख बड़ा दांव खेला। गुरुवार को गहलोत आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पप्पू कुरैशी के घर पहुंचे, नाराजगी को दूर किया और कुरैशी का समर्थन हासिल कर लिया। कुरैशी और मौजूदा विधायक महेश जोशी के बीच लंबे समय से 36 का आंकड़ा चल रहा था। स्थानीय मुद्दों पर कुरैशी कांग्रेस पर लगातार हमलावर हो रहे थे। गहलोत जब कुरैशी के घर पहुंचे तो कुछ पल की बातचीत के बाद नाराजगी समर्थन में बदल गई। राजस्थान की राजधानी की 10 सीटों पर विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के आमने सामने की टक्कर है। कैबिनेट मंत्री महेश जोशी का टिकट कटने के बाद इनमें से हवा महल विधानसभा सीट पर कांग्रेस का चुनावी समीकरण बिगड़ गया था। पार्टी ने आरआर तिवारी को टिकट दिया तो मुस्लिम नेता पप्पू कुरैशी ने आम आदमी पार्टी से ताल ठोक दी। हालांकि मतदान से 8 दिन पहले यानी गुरुवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐसी चाल चली कि आम आदमी पार्टी की मुस्लिम चुनौती ध्वस्त हो गई। हवा महल में वोट के गणित में मुस्लिम आबादी का दखल खास अहमियत रखता है। आम आदमी पार्टी से कुरैशी के चुनावी मैदान में उतरने से यहां सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को होना तय था। स्थिति कमजोर पड़ती देख मुख्यमंत्री गहलोत ने खुद मोर्चा संभाला और वो कुरैशी के घर पहुंचे और समझाइश की। यहीं पर स्थानीय मुद्दों पर चर्चा के बाद कुरैशी ने तिवारी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। पप्पू कुरैशी के कांग्रेस को समर्थन की घोषणा के बाद कांग्रेस की स्थिति मजबूत हुई है। हालांकि अभी 3 मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में हैं। कांग्रेस के कोर वोटर्स में सेंधमारी के चलते कांग्रेस के लिए मुश्किलें अभी भी बनी हुई हैं। बता दें कि हवा महल सीट पर कुल 2,51,827 मतदाता हैं। यहां मुस्लिम, जाट और ब्राह्मण मतदाताओं के हाथ ही सत्ता की चाबी है।